नमस्कार, मैं रोहन मुलकर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ ओए देखो प्रेजेंट्स वाडो गुगली में, पावर्ड बाय एप्पल बॉक्स मीडिया एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग पार्टनर डीवी विड एंड गिफ्टिंग पार्टनर विवा कॉन्सेप्ट्स। ये कहानी है सर डॉन ब्रैडमैन की। सर डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेटिंग जगत का लेजेंड कहा जाता है। उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर में उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर में वो सिर्फ एक बार आउट हुए और उनको आउट करने वाले वो खिलाड़ी थे स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ। 1948 में खेले गए ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में लाला अमरनाथ के एक गेंद को डिफेंस करने की कोशिश में ब्रैडमैन हिट विकेट हो गए और लाला अमरनाथ पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने डॉन ब्रैडमैन को आउट कर दिया। टेस्ट मैच 5 दिन के होते हैं और इन 5 दिनों में 4 इनिंग्स खेली जाती है, लेकिन एक टेस्ट मैच ऐसा था जो पहले ही दिन खत्म हुआ। कहानी है 2000 साल की। लॉर्ड्स के मैदान पे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच खेला गया और पहले ही दिन चारों इनिंग्स खेली गई। ये ऐतिहासिक मैच इंग्लैंड ने केवल 2 विकेट से जीता। आगे जाके 11 साल बाद फिर से इतिहास रचा गया जब साउथ अफ्रीका ने केप टाउन के मैदान पे ऑस्ट्रेलिया को केवल 47 रन पर ऑल आउट कर दिया और 8 विकेट से ये ऐतिहासिक मैच अपने नाम किया। में अनकवर्ड पिचेस पे मैच हुआ करते थे और इस पिच पे स्पिनर को खासी मदद नहीं मिलती थी। प्रभावशाली होते थे तो फास्ट बॉलर। 1932 में भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया और इस दौरे में कुल 26 फर्स्ट क्लास मैच खेले जाने थे और एक टेस्ट मैच खेला जाना था। 18 सदस्यों की इस टीम में किसी के सामने ओपनर लिखा था तो किसी के सामने मिडल ऑर्डर बैट्समैन, किसी के सामने विकेट कीपर लिखा था तो किसी के सामने स्पिनर, पर 2 नाम ऐसे थे जिनके सामने लिखा था फास्ट बॉलर। ये नाम थे मोहम्मद निसार और अमर सिंह। 25 जून 1932 में पहला टेस्ट मैच खेला गया और इंग्लैंड के ओर से बल्लेबाजी करने उतरे होम्स और सटक्लिफ। होम्स और सटक्लिफ ने 10 दिन पहले ही 555 की साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अमर सिंह और निसार ने केवल 10 रन पे ही उन्हें पवेलियन भेज दिया और उभरते हुए फास्ट बॉलर की सूची में अपना नाम शामिल किया। ये कहानी है उस वक्त की जिस वक्त लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए कोई क्रिकेटिंग किट भी नहीं हुआ करता था और उस वक्त उभर के आए गुजरात के एक नौजवान दीपक शोधन। दीपक शोधन बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और चौंकाने वाली बात यह है कि वो एक स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर भी थे। दीपक ने अपना ड्रीम डेब्यू 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ किया और पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए पहले मैच में उन्होंने शतक जड़ दिया, वो भी 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए। स्वतंत्र भारत के वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया। ऐसी अनसुनी कहानियां लेके लौटूंगा मैं अगले हफ्ते मेरे शो वाडो गुगली में। टिल देन दिस इज राहुल मुलकर साइनिंग ऑफ। अभी तक आपने ओए देखो को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ओए देखो को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक भी करो, इस वीडियो को शेयर भी करो और आपके पास ऐसी अनसुनी कहानियां हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें अपने शो में शामिल करने की।